हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सौरभ वंस अगेन विद द वीडियो मॉड्यूल ऑफ क्लास 12th। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आज हम बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंडक्टेंस की बात करेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंडक्टेंस, अगर हमें कंडक्टेंस को स्टडी करना है, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस होता है वो हमने 9th क्लास में, 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है। रेजिस्टेंस ऐसी अपोजिंग फोर्स होती है जो करंट को फ्लो नहीं होने देती, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर पता होगा तो हम कंडक्टेंस को इजीली स्टडी कर सकते हैं। सिंस रेजिस्टेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स विच अपोजिज द फ्लो ऑफ करंट, मींस ऐसी फोर्स जो करंट को फ्लो नहीं होने देती उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम्स। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम्स। इज इट क्लियर? तो रेजिस्टेंस हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस होता क्या है। हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, बिकॉज हम केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी करेंगे। अगर हम मेटल की स्टडी करते हैं दैट इज इन द फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, कितनी ईज के साथ, कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रिसिटी किसी इलेक्ट्रोलाइट के बीच में से फ्लो कर सकती है, मींस कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो कर रही है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और कितनी मुश्किल के साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी हम डिनोट करें या रिप्रेजेंट करें, कितनी मुश्किल के साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो कर रही है, दैट वॉज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इज आर बोथ inversely proportional to each other, means अगर resistance की बात कर रहे हैं वो current को flow होने में बाधाएं डाल रहा है, restriction ला रहा है, और conductance जो है वो current को flow होने में आसानी help कर रहा है, then it is called conductance। तो in short हम ऐसा बोल सकते हैं, resistance is defined, conductance is defined as reciprocal of resistance of electrolyte and is denoted by C। conductance को denote करते हैं C के साथ, और C किसके बराबर होता है, 1/R। अब हमें पता है आर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं ओम्स, तो कंडक्टेंस के यूनिट्स क्या आ गए, 1/ohms, या फिर ओम इनवर्स आप लिख सकते हैं, तो ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। मोर ओवर इसके यूनिट्स ओम्स होते हैं, ओम होता है, तो ओम का रिवर्स कर लेंगे MHO, महो, इसको महो भी बोलते हैं। एंड वन एंड अदर यूनिट इज साइमन्स। तो आपके लिए जो मेन यूनिट है दैट इज पर ओम्स, दैट इज पर ओम्स, क्लियर। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर मेरे को किसी भी कंडक्टर का, लेट अस सपोज ये मेरे पास कंडक्टर है, ये मेरे पास कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना है, A, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स कि जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट हम ऐसा, अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटा दूं, आर किसके बराबर आ जाएगा, इधर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कॉन्स्टेंट लिखते हैं हम रो, एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो यहां पर जो रो कॉन्स्टेंट लगाया है इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो अगर मैं रो की वैल्यू निकालने जाता हूं, रो किसके बराबर आ जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, क्योंकि ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, ए जो है, एल जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो रो की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आर इंटू ए बाय एल। तो अगर मैं ए की वैल्यू को वन पुट करता हूं, एल की वैल्यू को वन पुट करता हूं, मींस ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को और लेंथ ऑफ कंडक्टर को वन पुट कर देता हूं, तो रो की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी। तो इन शॉर्ट हम जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वन एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज वन,
मतलब इन दोनों की एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाए और लेंथ 1 सेंटीमीटर, जब 1 मीटर स्क्वेयर हो जाए यहाँ पे 1 मीटर हो जाए, मीन्स यूनिट होना चाहिए 1, तो देन इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ एरिया ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो और लेंथ जो हो कंडक्टर की वो कितनी हो 1, मीन्स दोनों चीज़ें 1 होनी चाहिए, देन जो चीज़ होगी रेजिस्टेंस जो किसके बराबर बन जाएगा, स्पेसिफिक। जब भी हम स्पेसिफिक की बात करें ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर। एक पर्टिकुलर केस ले लें, अगर मैं एल और ए लेता हूँ, लेंथ को रिप्रेजेंट करता हूँ एल के साथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए के साथ, तो जो इनके बीच में हम कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, जब हमने ए एल को 1 सेंटीमीटर कर दिया, ए को 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर कर दिया, तब स्पेसिफिक की बात होगी, तब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखो, हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की, हमने बोला कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है उसको हम कापा से डिनोट करते हैं, उसको हम कापा से डिनोट करते हैं, और वो किसके बराबर होती है, 1 बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर आप इन्वर्स लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, देन इट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और अगर आप रेजिस्टेंस का इन्वर्स लेते हैं देन इट इज कंडक्टेंस। तो इस इन शॉर्ट हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कापा, कापा किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है आर इंटू एल, आर इंटू ए बाई एल, तो यहाँ पे 1 बाय आर इंटू एल बाई ए हो जाएगा, मीन्स 1 बाय रो, रो की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया 1 बाय आर इंटू एल बाय ए, बिकॉज अब ए बाय एल नहीं रहेगा, अब एल बाय ए हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये भी, तो 1 बाय आर क्या है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। एल बाय ए इसको बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेल कॉन्स्टेंट, और 1 बाय रो किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी आ जाएगा कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। अब कंडक्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, पर ओम इंटू मीटर अपॉन मीटर स्केयर, तो आ जाएगा पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, तो ये आ जाएंगे किसके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट्स, किसके आ जाएंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज अ कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो। मीन्स जैसे हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस में लिखा वैसा ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में लिखा वैसा ही हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस में भी लिख सकते हैं। तो एल बाय ए जो मैं टर्म लिख रहा हूँ इसको बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेल कॉन्स्टेंट। और ये किसी भी अगर हमने सेटअप किया हुआ है वहाँ पे इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, वहाँ पे इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। देखो अब हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन भी बताना है, सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता होनी चाहिए। देखो अभी हमने बात की कंडक्टेंस, क्लियर? जब हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गया, लेट अस सपोज मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कंडक्टेंस कितनी हो रही है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में कितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है सारे आयंस की वजह से, सारे आयंस की वजह से, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमने कितना लिया हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये हमने आपको नॉर्मेलिटी में भी समझाया था कि जब हमारे पास मेरे पास जब मैं हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ वो कितना होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कितना होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी, जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मीन्स कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय ऑल द आयन व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर हुआ? मीन्स हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिंपल है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कंडक्टेंस हो रही है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में कितनी कंडक्टेंस हो रही है जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम
इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, हमें मालूम है कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस जब क्या हो, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट हो। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो सी इक्वल टू के आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बट कहता है यहाँ पे हमने वॉल्यूम को स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पे हमने वॉल्यूम को या कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई नहीं किया। तो जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे तो उसको डिनोट करते हैं, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है उसको किसके साथ डिनोट करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट। उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वॉल्यूम कितना है, इंटू वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, मींस जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इतना कम वॉल्यूम होगा। अगर आप कंसंट्रेशन को डिल्यूट करते हो सिस्टम को, मींस कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है। तो कहता है कि अगर मैं इन जनरल बोलूँ कि अगर सी ग्राम ऑफ, मतलब सी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास और उसको मैंने 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स 1000 मिलीलीटर, या फिर मैं बोलूँ 1 लीटर में इसको डिजोल्व किया हुआ है, डिजोल्व किया हुआ है, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय उसकी कंसंट्रेशन, 1000 डिवाइडेड बाय उसकी ग्राम इक्विवेलेंट, या जिसको कंसंट्रेशन बोलोगे वो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो इन शॉर्ट जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट जिसको आप बोलते हो। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन को लिख रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। और अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की ले रहे हैं तो हमें मालूम है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब यूज़ करते हैं, जब हम नॉर्मेलिटी का केस लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन की जगह पे आप क्या ले सकते हो, नॉर्मेलिटी, क्या ले सकते हो, नॉर्मेलिटी। तो अगर हम नॉर्मेलिटी सीधा सा यूज कर लें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लिख सकते हैं। तो आपको यहां से क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की, बिल्कुल सेम होता है। देखो सिर्फ कंसंट्रेशन के यूनिट्स हमने इसमें जब हमने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा वहाँ पे मैंने आपको यूनिट्स पढ़ाए थे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी। तो जब हम बात करें ग्राम इक्विवेलेंट की तो उससे जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन लेता हूँ 1 मोल, कितनी लेता हूँ, 1 मोल, 1 ग्राम मोल की बात कर रहा हूँ, तो देन जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अगर यहाँ पे नॉर्मेलिटी होगा देन इट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और अगर यहाँ पे मोलैरिटी होगा देन इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। इज इट क्लियर कि मोलर कंडक्टेंस, देखो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है, मोलर कंडक्टेंस में अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन को ग्राम इक्विवेलेंट में डिनोट कर रहा हूँ तो देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन को मोल्स में दिखा रहा हूँ देन इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, देन इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। तो ये मोलर कंडक्टेंस का यूनिट, ये डेरिवेशन है, और जो हमने पीछे डिस्कस की दैट वाज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो हमें यहाँ से क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले हमें मालूम है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, और मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, कापा डिवाइडेड बाय 1000। और अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, मैं ऐसा लिखता हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस, तो कापा इंटू 1000 कापा इंटू 1000 कैंसिल हो जाएगा, कापा इंटू 1000
कापा इन 2000 कैंसिल हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इनटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। इन शॉर्ट हम ऐसा लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलैरिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इनटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। बट नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस लिख रहा हूँ तो मोलैरिटी किसके बराबर होती है, वैलेंसी, मोलैरिटी जो है वो वैलेंसी इनटू नॉर्मेलिटी होती है, वैलेंसी इनटू नॉर्मेलिटी होती है। तो इनकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस, अब मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी था, वहां पे क्या था, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो वैलेंसी को इधर ले जाऊं तो मेरे पास जो रिलेशन बन जाएगा दैट विल बी दिस, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी, मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी। तो अगर मैं किसी ऐसे सबस्टांस की एग्जांपल ले लूँ डाइवेलेंट की, वहां पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी, टू, वैलेंसी टू हो जाएगी। तो यहां से आपका रिलेशन आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स हम एक्सपेरिमेंटल कैसे निकाल सकते हैं कंडक्टेंस की वैल्यू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की और मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू। देखो हम जानते हैं हमें कंडक्टेंस चाहिए तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, चलो सिंपल सा भी करते हैं। अगर मेरे को मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए तो मोलर कंडक्टेंस होता है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, क्लियर। अब मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो मेरे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस होना चाहिए, अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है कापा किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू एल अपॉन ए, सॉरी इंटू एल अपॉन ए, क्लियर। अब स्पेसिफिक, जब मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस चाहिए, जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है तो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चाहिए, और अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, क्लियर। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाए तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल लेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकल गया तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल लेंगे, तो सारी की सारी वैल्यू जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाए तो हम सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो आप यूज करोगे दैट इज कॉल्ड मीटर वायर ब्रिज, मीटर वायर ब्रिज, या फिर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन भी बोल सकते हो आप, इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है, इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये आप जब आप फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट करोगे, सेकंड चैप्टर करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे आपको पूरा सेटअप यूज होगा। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज लिया हुआ है जो आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, तो यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होगी, जिस कंडक्टर की, जिस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, जहाँ इलेक्ट्रोलाइट की हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसको हम कनेक्ट करेंगे इस पोजिशन के बीच में, मीन्स बी और डी के बीच में। ये जो वायर होती है ये 1 मीटर की होती है, वायर जो है वो 1 मीटर की होती है, और यहाँ से हम सिर्फ यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, चेंजेस क्या करते हैं, जब आप फिजिक्स में करते हो वहाँ पे आप डीसी यूज़ करते हो, आप वहाँ पे क्या करते हो, डीसी सोर्स यूज़ करते हो, बट यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एसी सोर्स, क्या यूज़ करेंगे, एसी सोर्स, और वहाँ पे आप गलवेनोमीटर यूज़ करते हो, हम यहाँ पे एयरफोन यूज़ करेंगे, जीरो नल पॉइंट निकालने के लिए वहाँ पे गलवेनोमीटर यूज़ करते हो, यहाँ पे हम एयरफोन यूज़ करेंगे। एयरफोन क्यों यूज़ करेंगे, गलवेनोमीटर जो है डीसी में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसी सोर्स होगा तो एसी सोर्स में गलवेनोमीटर जो है वो फंक्शनल नहीं देगा, और यहाँ पे एसी सोर्स इसलिए यूज़ करते हैं, डीसी इसलिए यूज़ नहीं करते, बिकॉज एसी सोर्स में क्या होता है,
एक टाइम पे पॉजिटिव आता है साइकिल, दूसरे टाइम पे नेगेटिव आता है। तो एसी सोर्स में क्या होगा कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं डीसी सोर्स यूज करता हूँ तो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट के कटाइन एक साइड पे जुड़ जाएंगे, एनाइन एक साइड पे, तो रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस को स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो आयंस है वो मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं एसी को यूज करता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट को यूज करता हूँ, एक टाइम के लिए पॉजिटिव यहाँ जुड़ेंगे, नेगेटिव यहाँ पे, वैसे ही दूसरे साइकिल के लिए क्या होगा, नेगेटिव यहाँ दौड़ेंगे, पॉजिटिव यहाँ पे, तो दोनों की माइग्रेशन होना शुरू हो जाएगी, जो आयंस हैं वो हमेशा मोशन में रहेंगे। तो यहाँ से हमें एसी सोर्स और सिर्फ एयरफोन को यूज़ करना है, और जहाँ से हम अपना मीटर ब्रिज को यूज़ करके हम रेजिस्टेंस इसका, इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और जब हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, बिकॉज जब नल पॉइंट आ जाएगा, जब हमारा एयरफोन में बीप करना शुरू कर देगा, नल पॉइंट निकालेगा, व्हेन नो वॉइस इज, व्हेन नो साउंड इज हर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, नल पॉइंट आ जाएगा। नल पॉइंट में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिवाइडेड बाय जो हमारा नॉन रेजिस्टेंस है वो इक्वल आ जाएगा वायर बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। मतलब जॉकी जब आप स्लाइड करोगे, नल पॉइंट निकाल लोगे, या फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, वहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये इसका नल पॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पास निकल गया। अब जब हमारे पास रेजिस्टेंस निकल गया तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकल गया तो हम रेजिस्टिव जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल लिया तो वहां से हम मोलर कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो कंडक्टेंस अगर हमारे पास रेजिस्टेंस निकला तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारे पास निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इन शॉर्ट हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाल सकते हैं, मीटर ब्रिज से। कहाँ से निकाल सकते हैं, मीटर ब्रिज से। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इसमें चार पार्ट्स हैं, इसके बीच में आपको सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि जो है कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इनको डेटरमाइन कैसे करते हैं, और डेटरमाइन किससे करते हैं, मीटर ब्रिज से या फिर स्लाइड वायर ब्रिज से। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं होता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जहाँ फिर आप मेरे को सीधा मैसेज कर सकते हैं, सो दैट आपको आपकी क्वेरी को क्लियर कर